हाय असुर सीजन 2 आ गया है और सीजन 1 मेरे को बिल्कुल याद नहीं था, सो आई हैड टू वॉच अ वीडियो ऑन यूट्यूब एंड विद दैट रिकैप आई वॉज एबल टू रिकॉल ऑल दी थिंग्स एंड नाउ आई हैव कम्प्लीटेड असुर सीजन 2। इट्स ऑलरेडी बीन 2 वीक्स दैट सिंस आई हैव कम्प्लीटेड इट, बट इट्स अ वेरी गुड शो। आई थिंक इट इज़ द बेस्ट शो इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। इसके अंदर इन्होंने माइथोलॉजी को बहुत अच्छे से मिक्स किया है। इन्होंने बताया कि जो शुभ है वो जो रसूल था वो शुभ नहीं है, इन्होंने शुभ अल्टीमेटली दिखा दिया है। और कैट एंड माउस गेम जो चलती रहती है बहुत अच्छी है। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी है शो में वो ये है कि बहुत ज़्यादा काफ़ी कुछ बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब जैसे शुभ की कोई चाल होती है ये फटाफट पकड़ लेते हैं, फिर कुछ वो करता है ये फटाफट पकड़ लेते हैं, मतलब एज इफ कि दोनों तरफ से प्ले कर रहे हैं। बट ठीक है, क्योंकि हाई पेस ड्रामा है तो इनको ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो एक छोटा सा क्लू भी जो होता है वो, जैसे एक फॉर इंस्टेंस एक सीन है जहाँ पे बता रहे हैं कि नए पेंट की खुशबू आ रही है, तो वहाँ पे वो देख रहे हैं अपना वो मार के, अपना ये मार के देख रहे हैं, इंफ्रारेड रेज मार के देखते हैं, तो वहाँ पे क्लू होता है। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा फार फेच्ड है, मगर ये दिखाना भी ज़रूरी है क्योंकि अदरवाइज तो रुके रह जाएंगे। और जैसे कि एक जो हमारा मेन करेक्टर था अर्शद वारसी, और जो दूसरा लड़का है, जो दूसरा लड़का है उसकी जो वाइफ बताई है, जो जो डिवोर्स फाइल कर रहे हैं वो, क्योंकि इन प्रीवियस सीजन ही चूज़ टू किल हिज ओन डॉटर, और वहाँ पर जाके फिर वो ऐसे कुछ हो जाता है, अजीब सी बात हो जाती है। तो उसके बाद में वो डिवोर्स फाइल करें। उसकी जो वाइफ है वो वाइफ को सब कुछ पता है, मतलब कुछ भी आईटी रिलेटेड थिंग है, कुछ हैक करना है, कुछ करना है, वो सब कुछ वही कर रही है। इसका एक ये भी रीज़न है कि हमें और 500 और करेक्टर थोड़ी डाल लेंगे कि ये वो टीम कर रही है, ये वो टीम कर रही है, वो टीम कर रही है। इसलिए जो इनके पास करेक्टर्स एक्टर्स हैं जिनके साथ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वही लोग सब कुछ करते हैं, मतलब जो 5 10 15 लोग इन्होंने चूज़ किए हुए हैं वही सब कुछ कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है कि वो टीम वो कर रही है, वो ये कर रही है, वो ये, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा इन्होंने बताया है कि उसने मशीन लर्निंग को यूज़ करके फेसबुक काइंड ऑफ एप्लीकेशन को हैक करा 2016 में, और उसके बाद उसने वहाँ से उनका सर्वर एक्सेस ले लिया, और वो हर समय लोगों की बातें बातें सुनता जा रहा है। हाउ असुर वॉज एबल टू मेक ऑल दिस डिसीजंस वॉज ही कुड, यू नो, ही कुड हैव, ही डिड हैव एक्सेस टू ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ एवरीबडी, एंड फ्रॉम यूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन ही कुड यूज दैट इन हिज एडवांटेज इन अ वे। जैसे वो ये कह सकता था कि जैसे मैं अब बैठा हूँ तो मैं क्या अभी डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरे को प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी करके ऐसे लिए हर वन स्टेप अहेड रहता था। और आखिर में उसने ऐसा वो खोला कि इंडिया की मार्केट गिरा दी और सारे एक दूसरे के पीछे पड़ गए। और अरशद वारसी ने क्या किया, वो हिमालय गया था, तो वहाँ पर जो भी एक उसको बच्चा मिला था धर्मशाला में, एक मॉनेस्ट्री में उसको बच्चा मिला था, उसको उसने कल्कि का अवतार बता दिया, और ऐसे करके उसने कर दिया। और अल्टीमेटली उन्होंने बताया कि जो शुभ है वो मार दिया है, निखिल ने मार दिया शुभ को, बट निखिल शुभ की एक जो बचपन की फ्रेंड थी वो कहता कि जो जिसका वो अवतार बताया, मतलब जो वो कल्कि का अवतार तो पॉजिटिव हो गया ना, जो भी नेगेटिव असुर बताया है, कहता असुर एक आदमी नहीं है, वो बहुत सारे हैं। तो मतलब अब सीजन 3 के लिए उन्होंने बताया कि जो एक लड़की थी वो उसकी उसके दायित्व को आगे बढ़ाएगी, तो ऐसे करके कुछ है। मगर सीजन अल्टीमेटली आई रियली लव्ड इट, बहुत मज़ा आया।